हमने जाना है क्रॉकरी की शॉपिंग करने। कपड़ों पे बस ध्यान पूरा और बर्तनों पे नहीं, अभी बर्तन लेने जाना है, उधर फोकस रखो। कपड़े 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 बोले शीशे के तो लेके ही नहीं देने सारे। खाना बनाना अंदर ये बनाएगा, छोटी सी है मेरे किचन में, बड़ी प्यारी लगेगी पड़ी हुई। तवा में तुम्हें स्पेशल लोहे का नहीं तवा मंगवा के। हाँ लेकिन इनकी चुड़ियाँ चलती नहीं है। जिस दिन कहा ना अरीब भाई ने खाना बनाने को, इसमें से एक निकालना और घोप देना। दिन मेरा बहुत प्यारा शुरू हो गया है क्योंकि मैं हो चुकी हूँ तैयार और आज करने को है बहुत से काम। आप लोगों ने कहना है भाई अब तो लड़की की शादी होने वाली है, अब तो बहुत से काम निकलने ही निकलने हैं, जरूरी है। एक चीज मैं आपको बता दूं, बहुत से लोग मुझे कॉमेंट करके पूछ रहे थे कि क्या आपने मेकअप का गिव अवे कर दिया, आप मेकअप का गिव अवे क्या करेंगे, कब करेंगी, कैसे करेंगी। तो जनाब मैं कुछ नाम अपने इंस्टाग्राम पे जिन लोगों के मुझे बहुत ज्यादा मैसेजेस आए हैं उनमें से कोई 5-6 नाम शॉर्टलिस्ट करूंगी एंड आई विल डिस्पैच पार्सल टू देयर एड्रेस। उनको कॉन्टेक्ट किया जाएगा मेरी टीम की तरफ से और उन तक उनके पार्सल्स पहुंच जाएंगे। सो इट विल बी अ रेंडम, ऐसा नहीं है क्योंकि मुझे पता है आप सब लोग मुझसे बहुत प्यार करते हो। ये वो नहीं है कि जरूरी है कि भाई जो मेरा फैन है मैं उसको ही दे रही हूँ, क्योंकि मुझे देखने वाले जितने भी मुझे प्यार करने वाले हैं वो मुझसे प्यार करते हैं, ये उनका सबसे बड़ा गिफ्ट है और मैं उनके लिए प्यारा सा व्लॉग लाती हूँ, ये उनके लिए भी प्यारा सा गिफ्ट है। तो अब सिचुएशन कुछ यूं है कि आप लोगों ने मुझे ऐसे ही प्यार करते रहना, जो मैंने मेरी कमिटमेंट थी आप लोगों को गिव अवे करने की वो इंशाल्लाह एक दो दिन के अंदर मेरी टीम उस चीज को शॉर्टलिस्ट करेगी एंड देन आई विल अनाउंस, मतलब नेम्स तो नहीं आई डोंट, क्योंकि हर किसी के प्राइवेट अकाउंट होते हैं, कोई किस तरह से होता है। तो मैं सिर्फ जो है ना वो पार्सल पैक करके उनको डिस्पैच करा दूंगी उनसे कॉन्टेक्ट करके। ओके आप लोगों ने अभी तक अगर चैनल नहीं ना सब्सक्राइब किया तो मैं नाराज हो जाऊंगी भाई। अभी अभी चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। आज हमने जाना है क्रॉकरी की शॉपिंग करने। चले जी लेट्स गो, होते हैं नीचे चलते हैं, मम्मा से पूछते हैं। तो जी मैं एकदम नीचे आई हूँ और नीचे बिल्कुल खाली है यार, घर वाले किधर है सब। एंड ये क्या आया भाई, तो पार्सल और इसके ऊपर इकरा कवल का नाम लिखा हुआ है, इकरा कवल। चलेंगे इसको खोलते हैं, कुछ कट तो नहीं गया मेरे हाथों, शुक्र है यही कटा है बेचारा। मैंने अपना पार्सल खोल लिया था और इस मोहतरमा ने आते साथ उस पर अटैक कर दिया। या अल्लाह फातिमा, खटिया सूट लग रहा है ना, खटिया लग रहा तुम्हें बदतमीज। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 वो ये क्या मतलब है आपकी, इतने कप यार घर पहनने के लिए मंगवाए हैं। लॉन टाइप समझे नहीं, दोनों कुछ थोड़े से फैंसी भी है ना, ये देखो पता ना ब्लैक कलर के हर कपड़ा ही मुझे बड़ा अच्छा है। हाँ ब्लैक कलर की फातिमा बहुत बड़ी है तुम्हारी बारात पे, दफा हो जाओ फिर मत आना, घर पहनने के लिए मंगवाए हैं। मैंने कहा इतना सादा नहीं, सास ज्यादा सिंपल है पागल। हाँ बारात और तो जाहिर है आपकी, आई एम जस्ट किडिंग। दादी ते नानी नू वेख के सूट पा दी, नी फुफिया नू पा दी ना, आपदे इन्हां नू सवारन दी पै गई है, किन्नी बुरी गल है। अभी इकरा मैं अंदर से अलमारियां समेट के आई हूँ और बाहर आई हूँ तो फिर कपड़े, मेरा कपड़े देख देख के दिमाग घूम। मम्मा ये तो मैंने नए मंगवाए हैं अभी, तो नए मंगवाए नए ही मंगवाती और पुराने कहाँ रखने होते हैं अलमारी में, किस लिए मंगवाए हैं अपने घर नहीं लेके जाने, घर पहनने के लिए। कपड़ों पे बस ध्यान पूरा और बर्तनों पे नहीं, अभी बर्तन लेने जाना है, उधर फोकस रखो, घरदारी में किचन में इधर में कपड़े कपड़े कपड़े। एक तो मैं इस घर में कोई चीज मंगवा लूँ, कुछ कर लूँ कुछ कर लूँ, सबको मसला है। यहाँ पे सब हमारे घर में व्लॉग्स क्यों ऑन रहते हैं, चालू रहते हैं व्लॉग, एक व्लॉग ऑन रहते हैं, कपड़े शपड़े आ रहे होते हैं वो हमने दिखाने होते हैं। मुझे यार वैसे भी कपड़े कुर्ते शुर्ते चाहिए थोड़े यूनिवर्सिटी के लिए। अस्तगफिरुल्लाह मम्मा, आप कहती हैं हमारे घर में ना बहुत चीजें कम है, तुमने क्या करने, वो कह रही है, वो आते साथ कह रही है कि मुझे कपड़े चाहिए। ध्यान बहनों का कपड़ों पे होना, तो तुम बर्तनों पे दो, वो बर्तनों पे है ना वो ध्यान देने के लिए सो के उठ के आई है। मैंने आज जाना ना अपने नए घर के लिए क्रॉकरी, अपना सामान लेने क्रॉकरी लेने जाना है, बर्तन प्यारे प्यारे
मैं खूबसूरत घर के लिए। हाँ। यार हीरा रेडी हो जा यार, तूने मुझे लेके जाना है। कहाँ जा रहे हो? क्रॉकरी करने भी तो बता रहे हैं। पहले मेरा अपना कपड़ों में इंटरेस्ट खत्म हो गया। डिनर से जाऊंगी तो फिर चीजें दिलवाओगी? यार कितनी लालची शक्ल है तुम्हारी। हाँ तुम्हारी शादी के लिए तुम्हें एक सेट ले दूंगी, जाओ। मैंने बर्तन नहीं खरीदे, शादी करने का शौक नहीं है। पता चला पुराने हो गए, रहने दो। तो आज अच्छी लग रही है प्यारी, ब्लैक को ब्लैक हुई हुई है। रब तो वैसे अच्छे तरीके से अच्छी लग रही है, मम्मा अच्छी लग रही है, प्यारी प्यारी बहुत प्यारी। ये देखो अब हमारी जोड़ी कैसी जोड़ी लग रही। ये कौन लाया? तस्बीह है, जमजम पानी है, तस्बीहां है, ये वाली तस्बीह है, साथ खजूरें हैं। हाँ साथ ये इसने मुझे ब्रेसलेट दिया, ये वाली जो है ना, ये दिखाओ प्यारी। यार वैसे वहाँ से जो भी चीज आती है ना वो बड़ी प्यारी होती है, मुझे दे दो ये। ये कह रही थी और ये मदीना कैसे ऊपर से फेर के लाए। मुझे जमजम दो। तुम्हारी दोस्त उमरा करके आई है? उमरा करके मैं भी जाऊंगी इंशाल्लाह, मुझे भी तौफीक दे। आमीन। चले जी मैं जाने के लिए हो चुकी हूँ रेडी। यार मम्मा ये देखो, मम्मा ये आप क्या कर रही है? मेरी मम्मा ये ना मलाइयाँ जमा कर करके देसी घी। तो गाइस आपको देसी घी की रेसिपी कभी शेयर करूंगी, ठीक है? इतनी बिजी है कि जाते जाते ये होता है बर्तनों का काम, ये नहीं होता सिर्फ बर्तन। मम्मा आपकी को अपने ये वाले बर्तन लेके देने, डूड वाले शीशे के तो लेके ही नहीं देने, सारे खाना बनाना अंदर सजाने ना, तो सजा के प्यारे लगने चाहिए। तुम कितने बर्तन में सजाऊंगी, नहीं काम भी करूंगी हल्की आंट पे थोड़ा थोड़ा। जितने तुम पैसे वेस्ट करियो ना बर्तनों पे, वो तुम शेफ पे वेस्ट कर लो। वो वेस्टेज नहीं होगी। डिस्पोजेबल बर्तन ले ऐसा दफा हो जाओ, कितनी बदतमीज है। डिस्पोजेबल बर्तन वैसे सस्ते भी पड़ेंगे। दफा हो जाओ तुम यहाँ से, तुम गाड़ी निकालो जाके। अगर किसी ने मुझसे ट्रिक पूछना है कि पांच बच्चों को कैसे हैंडल किया जाए तो वो पूछ सकते हैं। हाँ अब यहाँ पे हम सीधा जाएंगे, देखते हैं मम्मा कौन से स्टोर पे मुझे लेके जाती है। अगर मुझे ना पसंद आई ना तो मैंने कुछ नहीं लेना, अगर मुझे पसंद आ गई तो मैं पता नहीं कितना कुछ ले लूं, क्योंकि आजकल अपने अंदर शौक डेवलप करना पड़ा है। चम्मच जी हम लोग यहाँ पे गए हैं पहुँच, जब जाते हैं वहाँ पे देखते हैं क्या पसंद आता है क्या नहीं लेना। तो मैंने हल्की आंच पे जो देच के शेचके हैं वो मम्मा दूसरी मार्केट से जाके देखेंगी। अभी तो मैंने सेट वगैरह देखने हैं, जो डिनर सेट होते हैं या ग्लास सेट होते हैं या पता नहीं क्या क्या नाम होते हैं। हम लोग यहाँ पे पहुँच गए हैं, ठीक है, यहाँ पे हम सेट वगैरह देखेंगे हमें क्या अच्छा लगता है। मुझे तो सिर्फ ये ट्रे अच्छी लगी है। मम्मा हाँ, मेरे पास ना घर पे दो पड़ी हैं, नहीं मैंने डब्बे से नहीं निकाली, उनमें से एक पक्की तेरी। आजा वापस क्या बात, यहाँ से मेरे लिए चीजें पसंद करो तुम्हें जो मैं कह रही हूँ करने को। यस यार ये मुझे अच्छा लगा। और दिस ये तुम अपने कैजुअल यूज के लिए भी, यार ये तो नहीं है, नहीं है, आई वांट दिस, मुझे ये अच्छा लगा। आपको नहीं पता गाइस मुझे कितना 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 क्रेज है क्रॉकरी का। लाजमी लो जूसर लो, उसके अलावा वो कूटने वाला, इसमें सारी तुम्हारी सब्जियां कट जाएंगी। मम्मा आप मुझे बताओ ना यार मैं क्या क्या लूँ। यार बर्तन लेने हैं कि ये चीजें लेनी है, एक चीज पहले डिसाइड करें। ये क्या पकाने वाला मेकर? रोटी मेकर बहुत मजे की रोटी बनती है। मम्मा ये मुझे ले दो, मेरे को रोटी नहीं आती बनानी, मैं इसमें बना लूंगी। हमें पसंद आया है ये, तो आप पेड़ा कोई भी अनाड़ी बना लेगा इसपे। तुम जैसी अनाड़ी, यही बर्तन लेने और लेके क्या जा रही है रोटी मेकर? तुझे तो बताएगी ना। नहीं नहीं मुझे सही बताएं कि इसमें करना क्या होगा। मुझे पेड़ा रखना होता है, इसको दबाएंगे रोटी खुद फैल जाएगी। थोड़ी सी करना पड़ेगी आपको, रोटी बनानी पड़ेगी थोड़ी सी। थोड़ी सी कितनी सी, मतलब इतनी गोल करनी पड़ेगी? इतनी गोल करनी पड़ेगी। खुद भी घूमता है? नहीं नहीं इतनी गोल नहीं है, ये घूमने वाला नहीं है। रोटी सिर्फ पकाता है बनाता नहीं है, एक रोटी बनाने वाला भी है। पेड़ा रखते हैं, रोटी खुद बड़ी होती है। इसका तो मैम आइडिया नहीं है, बाकी ये हमारे पास तो फिलहाल फर्स्ट टाइम आ रहा है। ये फर्स्ट टाइम मेरे लिए ही आया है। इस पे ना रोटी रखते हैं, अब वो खुद ही फूल के ऐसे हो जाती है। हाँ ये बनाने रोटी मेकर नहीं है ना, ये नहीं, ये मेकर नहीं है, वो अलग होता है, जो आप मांग रही हैं वो अलग होता है। अनाड़ियों के लिए यहाँ कुछ नहीं है। हाँ ये देखना ऐसे बनाएगा, ऐसे पेड़ा रखा है। हाँ ये सेम है, प्रेस एंड रिलीज। एक मिनट सेम है। अच्छा ये भी अच्छा है, ये भी ठीक है। ट्यूटोरियल देख लिया, रोटी बन गई है। करो ना इसने बनाई तो मम्मा वो देखिए बिल्कुल सेम है, देखो सेम है, प्रेस ही करते हैं।
प्रेस करने के लिए ये बनाएगा। मैं तो शुक्र अदा करूंगी जिंदगी में कि मुझे रोटी में आराम से पेड़ा करके रखूंगी, कुड़ुच रोटी बाहर, मतलब नो नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग। मैरिड लाइफ तो बहुत इंजॉय करने वाली हूँ। सो गाइज, यहाँ पे हम लोगों को कुछ चीजें पसंद आई थी, ठीक है, बाकी जो है वो शुगर पॉट वो चीजें देखती हूँ। और ये जो है ना, ये अम्मा इधर आए जरा, प्याज आलू के लिए पहले मुझे बताओ ये कैसी है। ये देखो इकरा, चल के खुद ही तेरे पास आ जाया करेगी। हाँ, ये मम्मा नहीं, छोटी सी है, मेरे किचन में बड़ी प्यारी लगेगी पड़ी हुई। ये अच्छी लगी है मुझे, एक ये ले लेती हूँ। मग लेने मम्मा। हाँ, मग 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 मग, ठीक है। मुझे ना प्लेट्स भी अच्छी लग रही है, ये वाली प्लेन में है, प्लेन कलर में, बिल्कुल प्लेन है घर के कैजुअल यूज के लिए। हाँ, प्लेन वाली ले लेती हूँ। ये प्लेट मिली है, वो भी पांच पांच है, बाकी सारी छह कटोरियां भी। हाँ जी, इसमें बैठ के ना खाना खाओ। ये भी पांच है, ये एक एक लगता है आप लोगों ने तोड़ दी है, एक ही बिकती है एक प्लेट का। भाई क्या करवा लेते हैं, मुझे ना लगता है किसी और जगह जाऊंगी जहाँ पे प्रॉपर मेरे किचन का सामान है। ये अच्छा अच्छे लगते हैं, ये अच्छी है, ये प्लास्टिक में, ये वाली अच्छी है, मैंने कितने प्यारे लग रहे हैं। क्या कह रही है, वो ले रही है, ये लो बेलने से रोटी। नहीं नहीं लेना, ये ऑफ डेट हो गया बहुत ज्यादा, अब यूज करते हैं लोग रोटी में। एक बर्तन होता है, वो कहते हैं कि वो कैंसर कॉज करता है, वो वाला बर्तन होता है एक, वो होता है नॉन स्टिक। हाँ, नॉन स्टिक स्टील होता है, स्टील ठीक है ना। हाँ, तो स्टील की समझ आ रही है, ये सिल्वर नहीं समझ आ रहा। नहीं ये ना लो। हाँ, ये नहीं समझ आ रही है। ये वाला लो ना, सॉस पैन भी तो लो, तुम्हें ये नहीं चाहिए, चाहिए होगा, ये हीरा को मारने के काम आएगा। ये ना इसमें एक छोटा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, बट एक छोटा वाला ले लो। नहीं बड़ा भी ले लूंगी ना, क्योंकि ज्यादा लोगों के लिए चाय बनानी पड़ेगी। पागल हम तो भी जाएंगे तो क्या। हाँ, चाय ये वाला ले लो, या एक ये ले लो, बड़ा वाला एक ले लेती हूँ, एक छोटा ले लो, एक छोटा ले लेती हूँ। हीरा मशवरे दे रही है, कुकर लो, कुकर लो, कुकर को चने पे चढ़ा के। रसोड़े में कौन था, उन्होंने ये नए कुकर निकाले, ये फटने का भी डर नहीं होता, आप इजीली कुछ भी बना सकते हो। कोई अनाड़ी भी इसमें रखेगा ना, स्टील बन जाएगा, कच्चा रह जाएगा, लेकिन कुछ होगा नहीं। तो ये वाला परफेक्ट है, कुकर ले लो। मैं कुकर में क्या बनाऊंगी यार, ये कितना अमेजिंग है यार, कितना ऑसम है यार। लेकिन अब ये क्या है वैसे, तो ऐसे लग रहा है किसी बच्चे की चीजें हैं खाने वाली। देखो, अगर आपके घर कोई बच्चा आ जाता है, उसको आपने पानी देना हो यार। ये मैं बताऊँ क्या है, किसी ने ऑफिस में खाना वगैरह लेके जाना ना, तो उसके लिए बर्तन है ये। नहीं, बेबी मतलब आपके घर पे कोई बच्चा गेस्ट आ जाता है, तो उसको खिलाने के लिए जो है ना, पहले ना अपने बर्तन ले लो, गेस्ट के बच्चों की खालाओं के फूफों के बाद में लेना। तो ये ले लो, ये अच्छा है। ये देखो खट्टा मैच किससे हो रहा है, खट्टा इस पे बैठ जाओ सोफा, खट्टा चिमड़ा हुआ है मैं। ये पकड़ो, ये हाँ, ये दो बॉक्स पकड़ो। इधर आओ तो मैं यहाँ से ये भी सारी बताऊंगा। लेकिन मैंने ट्रॉली तो लेके आना, उसमें चीजें। मामा ट्रॉली फुल हो गई है। ये क्या है हीरा, ये चीजें तो नहीं मैंने साथ लेके जानी, बड़ी वाली ट्रॉली ये तो नहीं मैंने साथ लेके जानी। जब मैं जाऊंगी तो ये भी साथ जाएंगी। मम्मा सबसे इम्पोर्टेंट चीज भूल गई हो, तवा, तवा जिसके शामी या कोई चीज, पैन, तवा, तवा, तवा। रोटी मेकर, रोटी मेकर लिया, तवे पे सिर्फ रोटी नहीं बनती है यार, तवा इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। अल्लाह मेरा ना अभी से इतना सर घूम रहा है, मैं आपको नहीं बता सकती मैं क्या करूंगी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, और मैं इस वक्त बड़ा पैनिक कर रही हूँ। तवा में तुम्हें स्पेशल वो जो लोहे का नहीं होता वो मंगवा के। हाँ, मुझे हर चीज नेचुरल चाहिए, आई डोंट लाइक आर्टिफिशियल स्टफ। क्या कह रही है, ठीक है, ये ठीक है, दिखाओ जरा इसकी शक्ल। अच्छा, हीरा मेरा इस वक्त ना दिमाग प्रेशर कुकर हुआ हुआ है। हाँ, जब नॉनस्टिक नहीं ले रही है तो फिर ये स्टील। हाँ, मुझे कोई भी बर्तन नॉनस्टिक नहीं चाहिए गाइस, ये मैं आप लोगों को भी एक अवेयरनेस दे रही हूँ। बहुत सी रिसर्चेज ने ये चीज प्रूव की है कि जितना भी नॉनस्टिक पैन में या तवाज में या कढ़ाई में आप खाना बनाते हो, वो आहिस्ता 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 पॉइजन बनता है आपकी बॉडी में जाता है, और इट कैन कॉज कैंसर, कार्सिनोमा, सार्कोमास जो बन रहे होते हैं ना, वो इसी वजह से बन रहे होते हैं। सो अवॉइड नॉन स्टिक। लेकिन इनकी चुड़ियाँ चलती नहीं है। जिस दिन कहा ना अरीब भाई ने खाना बनाने को, इसमें से एक निकालना और घोंप देना। कितनी बदतमीज है यार, कितनी तुम बदतमीज, ऐसे नहीं करती अरीब, दोनों ऐसे नहीं करूँगा। अभी तो कोई पता नहीं क्या होगा, ये जो भी होगा व्लॉग लाजमी बनाऊंगी गाइस, टेंशन नहीं आप लोगों ने लेनी। शादी के बाद जो भी पागल हूँ मैं। मेरी शादी से पहले एक बच्ची मुझे मिलने आई, बेटा मैं यहाँ पे बर्तन खरीदने आई हूँ, देखो वो चीज खरीदने आई जो मेरे लिए बड़ी बहुत अच्छी लग रही होगा। हाँ, मिनी मॉडल। ये भी छोटे छोटे बच्चे हैं, ये सारे हाय हाय कर दो।
ये दो छोटी छोटी जो बच्चियां है ना ये लेके आई हैं फ्रॉम ज़ायरा। ओ थैंक यू। चम्मच लेने हैं मेरी अम्मा, चम्मच लेके ये पूरा ले लो, ये सही रहेगा, ये भी आ जाएगा, वो भी आ जाएगा। इतनी शॉपिंग कर लिया कोई, इतनी शॉपिंग कर लिया कोई, इतनी शॉपिंग कर लिया कि इस मोहतरमा को लग गई है भूख और यहाँ पे मेन्यू से डिसाइड करवा लेते हैं। ओके करवा लो, ये ले लो। सच में जरूरी है, इसके बगैर किचन की नो एंट्री। मम्मा लेकिन ये जब जाऊंगी लेना तो अच्छी कंपनी वाला लेके आते हैं। नहीं अच्छा ही है, दे दूं। बड़ी तुम बदतमीज, किचन का शगुन है, किचन का शगुन है, स्कॉच ब्राइट किचन का शगुन है। चलो मैं आपके फैन हूँ, मैं आपके बहुत व्लॉग्स देखती हूं। सारे देखती हो? कौन सी क्लास में हो? मैं थ्री में हूं। पढ़ा भी करो साथ साथ, ठीक है। थैंक यू, बाय, अल्लाह हाफिज़। ये देखो जी इकरा का किचन नामा जा रहा है दूसरी साइड से, यहाँ से जा रहा है वो हीरा का गंद नामा जा रहा है जी। ये हीरा जो गंदी गंदी नूडल्स खाती है स्पाइसी, और ये हमारी टोकरी है जो हमने फाइनल की थी, बाकी सब जो हमने शीशे की चीज़ें या वो ली हैं चीज़ें वो हैं। मुझे यहाँ पे एक बहुत ही प्यारी सी क्यूट सी फैन मिली है जिसका नाम है फाइका, उसके लिए ढेर सारी दुआएं, उसके अम्मी अबू के लिए भी, और वो हमारे ब्लॉग बहुत शौक से देखती है, वो कैमरा पे नहीं आ रही लेकिन वो हमसे बड़ा प्यार करती है। यहाँ पे अब होने लगा है बिल, पिज्जा हमारे आ चुके हैं, हीरा करवाएंगी बिल। मम्मा इसको काका बना ले। ओके, आई एम वेरी अपसेट सी, अजीब सी मेरी ना तबीयत खराब हो रही है, और मेरे से ना ज़्यादा देर खड़ा नहीं हुआ जा रहा। मैंने उनको बोला आप लोग बिल करा लो क्योंकि मैं बहुत थक गई हूँ। अब हम जाके बैठेंगे अपनी गाड़ी में सुकून से। अब हम लोगों ने कर लिया सारी शॉपिंग और जा रहे हैं अपने घर सुकून से, क्योंकि मेरा भूख लगी है, इतनी भूख लगी है कि गाड़ी में भी लगी हुई है मम्मा पिज्जा पार्टी करना, और मेरा इस वक्त कुछ भी खाने का दिल नहीं चाह रहा क्योंकि तो बर्तन देख के दिल भर गया, दिल भर गया। मैं आवाज़ार हो गई हूँ उससे, सीरियसली। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर हम लोग पहुंच गए हैं घर पे, अब हम लोग सुकून से जाते हैं। मेरा तो थकावट से सच्ची बुरा हाल हो रहा है, पता नहीं क्यों। सो गाइस हम लोग घर आ गए थे, घर आके थोड़ी बातें शातें की, जो सामान था सारा बर्तन छर्तन वो मैंने गाड़ी से नहीं निकाले, मैंने बस आके खाना खाया। मुझे बिल्कुल हिम्मत नहीं थी व्लॉग बनाने की क्योंकि मेरा जो फोन था उसकी बैटरी काफी लो हो गई थी। ये चीजों का आप देख सकते हैं अंबार यहीं पे पड़ा, सिर्फ ये पैकेट निकला बाकी नहीं निकला। नाउ आई थिंक आई शुड स्लीप नाउ बिकॉज़ आई एम टू टायर्ड, और कल मुझे उठना है सुबह बहुत जल्दी, मतलब सुबह 8 बजे का मेरा कॉल टाइम है क्योंकि कल है मेरा शूट, और किस चीज का ये आपको कल ही पता चलेगा। इंशाल्लाह आप लोग से मेरी मुलाकात होगी अगले व्लॉग में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।